नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते बच्चों, आज हम आठवीं कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक वसंत भाग तीन में सम्मिलित कबीर की साखियां पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, कबीर की साखियां में कबीर दास जी की पांच साखियां संकलित हैं। कबीर दास जी ने अपनी इन साखियों के माध्यम से समाज में फैल रही रूढ़ियों अंधविश्वासों पर निंदा की है और जो समाज में बुराइयां फैल रही हैं उनकी ओर निंदा करते हुए मानव धर्म का संदेश दिया है। तो कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को चार कालों में विभाजित किया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल और तीसरा है रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल में दो भाग हुए हैं, पहला ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। तो कबीर दास जी ज्ञान मार्गी शाखा में आते हैं। कबीर दास जी के जितने भी हम दोहों को पढ़ेंगे तो हमें उनसे ज्ञान मिलता है, ज्ञान परक बातों को उन्होंने अपने दोहों में बताया है और साथ ही नीति परक, उन दोहों को पढ़ने पर हमें कोई ना कोई संदेश जरूर मिलता है। तो कबीरदास जी के जन्म को और उनके बचपन को लेकर विद्वानों में मतभेद है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कबीरदास जी का जन्म 1398 को माना जाता है और कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से काशी में हुआ था और वो विधवा ब्राह्मणी लोक लाज के कारण क्या करती है, उस बालक कबीर को लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ देती है। उसी समय नीरू नीमा नामक दंपति बालक कबीर को देखा, बच्चा रो रहा था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उस बालक कबीर को अपने घर ले गए। वहां उन्होंने उनका पालन पोषण किया। कबीर के गुरु हैं संत रामानंद। तो कहा जाता है कि कबीर दास अनपढ़ थे तो उनके द्वारा बोली गई बानियों को उनके शिष्य लिखा करते थे जो बीजक में संकलित हैं। कबीर दास की मुख्य कृतियां हैं साखी, सबद और रमैनी। तो आइए आज इन साखियों को पढ़कर उसमें छिपे हुए अर्थ को हम जानेंगे। पार्ट 9, कबीर की साखियां। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तले होए, उड़ी पड़े जब आँखी मई, खरी दुहेली होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो यह देखिए सबसे पहले दोहे में, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, उनसे कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जाति की भावना को पीछे छोड़ चुके होते हैं, है ना। साधु संत जो होते हैं वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, तो इसलिए अगर हम उनसे जाति की बात करें तो यह अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए पूछ लीजिए ज्ञान, उनसे ज्ञान संबंधी बातें करना चाहिए, उनके पास जो ज्ञान है उसे हमें पाने की कोशिश करनी चाहिए। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ देखिए, जब हम मान लो कि हम दुकान गए तलवार खरीदने के लिए, तो वहाँ हम मोल किसका करते हैं, तलवार का। म्यान मतलब जो तलवार रखने का जो बस्ता होता है उसे म्यान कहा जाता है। तो हम तलवार खरीदते समय तलवार को महत्व देते हैं ना, तो उसी तरह साधुओं की जाति को छोड़कर उनका ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए उनसे ज्ञान की बातें करके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तो इस दोहे में कबीर दास जी ने ज्ञान के महत्व को बताया है। तो अगला दोहा देखिए, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत गारी एक है,
मतलब देखिए, कोई हमें गालियां दे दे या कोई हमें अपशब्द कह दे, तो हमें उसके बदले उत्तर में अपशब्द नहीं कहना चाहिए। तो कोई हमें अपशब्द कहेगा तो वो एक रहेगा, जब हम उसे दोबारा अपशब्द कहेंगे तो एक के बदले अनेक हो जाएगा, है ना। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं देना चाहिए बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। यहाँ कबीर दास जी यही कहते हैं, अगर कोई हमें बुरा कहेगा तो उसके बदले हमें बुरा नहीं कहना चाहिए। एक बात कही जाती है कि हमें कांटा चुभ जाए तो उसे कांटे से ही निकालना पड़ता है, ये बात भी ठीक है, लेकिन इस बात का विरोध करते हैं कबीर दास कि अगर हम बुराई को बुराई से ही जवाब देंगे तो बुराइयां और बढ़ती जाएंगी, तो इसलिए उस बुराई को वहीं रोककर बुराई खत्म करने का संदेश इस दोहे में कबीर दास जी देते हैं। तो अगला दोहा देखिए, माला तो कर में फिरे जीबी फिरे मुख माही, मनवा तो दहू दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, तो यहाँ कबीर दास जी जो दिखावा होता है भक्ति का उसकी ओर बताते हैं कि मनुष्य दिखावा करता है भगवान की भक्ति करने का, कैसे कि हाथ में माला, देखा है आपने कि हाथ में माला उन मनकों को हटाता रहता है, ऐसा लोगों देखने वालों को ऐसा लगता है कि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। ऐसे जो माला हाथ में पकड़ कर भक्ति करता है उसे दिखावा बताया है। जीभ फिरई मुख माही, और जीभ पर भगवान का नाम बार बार लेता रहता है, तो ये ऐसी भक्ति को कबीर दास जी दिखावटी भक्ति कहते हैं। मनवा तो दहू दिसई फिरे, लेकिन उन लोगों के पास तो हाथ में माला होता है और मुंह पर भगवान का नाम होता है, लेकिन उनका मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है, ऐसी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। मतलब कबीर दास जी यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान को सच्चे मन से याद करना है, वही सच्ची भक्ति कहलाती है। ये जो हाथ में माला फेरकर मुख में भगवान का नाम लेकर, ये सब ढोंग है, दिखावा है। अगला दोहा देखिए, कबीर घास ना निंदिए जो पांव तले होए, उड़ी पड़े जब आंखी मई खरी दुहेली होए। कबीर घास ना निंदिए, कबीर दास जी कहते हैं कि हम रास्ते में जाते समय हमारे पैरों के नीचे घास होती है ना, तो उस घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो छोटे समझकर, तुच्छ समझकर, नीच समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पांव तले होई, वही हमारे पांव के नीचे जो घास होती है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आंखी मई खरी दुहेली होई, अगर वही घास का टुकड़ा जोर से हवा आने पर हमारी आंख में पड़ जाएगा तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है ना। इस दोहे के अनुसार कबीर दास जी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, है ना, छोटी भी वस्तुएं हैं, बड़ी भी वस्तुएं हैं, तो हर वस्तु का अपना अपना महत्व होता है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। कई बार ऐसा होता है कि छोटी वस्तु भी बड़ा काम कर देती है, जैसे कि यहाँ बताया है कि घास, हम घास को उतना महत्व नहीं देते, लेकिन जब वही घास अगर हमारे आंखों में पड़ जाती है तो कितना दर्द होता है, ये उस व्यक्ति को ही पता चलता है। तो अगला दोहा देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं, मतलब यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल हो, तो हमारे मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। हम सोचते हैं कि इस संसार में ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, या आतंक में पड़ जाते हैं, तो इसलिए हमारे इस संसार में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, इसलिए यह सोचकर हमारे मन को शांत रखना चाहिए। या आपा को डारी दे, आपा मतलब अहंकार, हमारे मन में जो अहंकार है उसे हमें त्याग देना चाहिए। दया करे सब कोई, अगर हमारे मन में जो अहंकार है, जो घमंड है, उसे त्याग देंगे तो सब लोग हम पर दया करेंगे। तो कबीर दास जी यहाँ यही कहते हैं कि मनुष्य अगर अपने मन में जो घमंड है, जो अहंकार है, उसे त्याग देगा तो सब लोग हम पर
दया करेंगे, तो इसलिए हमेशा हमारे मन को स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। तो कबीरदास जी की इन साखियों में विभिन्न बोलियों के शब्द मिलते हैं, तो इसलिए इनकी भाषा को सदुखड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो अपनी बानियों में सरल भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। चलिए बच्चों, आप इन साखियों के अर्थ को समझ गए होंगे। मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप एक एक करके उत्तर दीजिए। तो कबीरदास जी साधुओं से क्या पूछने की सलाह देते हैं? कबीरदास जी साधुओं से उनकी जाति नहीं बल्कि उनके ज्ञान के बारे में पूछने की सलाह देते हैं। शाबाश। अच्छा, कबीरदास जी सच्ची भक्ति किसे कहते हैं, बताओ भुवनेश। सच्ची मन से भगवान को याद करना ही सच्ची भक्ति कहलाता है। ठीक है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, बताओ सुप्रिया। कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं क्योंकि अगर घास का छोटा टुकड़ा भी हमारे आँख में पड़ जाए तो हमें बहुत दर्द हो सकता है। शाबाश। अच्छा बच्चों, कबीरदास जी की साखियों को पढ़कर उनके अर्थ को समझ गए होंगे। अगली कक्षा में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।